पर्व छठ पूजा के अवसर पर रेडियो स्नेही 90.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिवान के द्वारा छठ व्रतधारी माताओं और बहनों को रेडियो स्नेही अपने पूरे परिवार की तरफ से शुभकामना देती है। साथ ही सिवान के आम नागरिकों से ये अपील करती है कि छठ पूजा के दिन आप अपने घर के आसपास सफाई व्यवस्था, सड़क को स्वच्छ रखें, संभव हो तो कुछ पानी डालकर जो है धो दें, और छठ घाट पर जाने वाली व्रतधारियों को जो है आप जाने का पहले आप मार्ग उपलब्ध कराएं। और सभी छठ व्रतधारियों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे लेकर छठ घाट पर जब नदी के किनारे आप जाती हैं घाट पर, तो अपने बच्चे को अपने हाथ से अपने निकट रखें या हाथ पकड़ रहे, संभव हो तो उसके पॉकेट में उसका नाम, उसके पिता का नाम, पूरा पता और एक मोबाइल नंबर अवश्य डाल दें। अगर वृद्ध महिलाएं जा रही हैं छठ घाट पर तो उनके साथ भी इस तरह के कागज का एक टुकड़ा जिस पर उनका नाम, पिता का नाम या पति का नाम या पुत्र का नाम या उनका पूरा पता और मोबाइल नंबर डाल दें। अगर कोई बच्चा भूल जाए या कोई वृद्ध महिला या कोई वृद्ध पुरुष अगर भूल जाता है तो जिला प्रशासन के शिविर में आप जाकर इसकी तत्काल सूचना दें और ताकि इस सूचना को प्रसारित किया जा सके। और सभी जो घाट के पास जो असामाजिक तत्व लोग जो जाकर पटाखा छोड़ते हैं उनसे मेरा अपील है कि आप कोई भी आप पटाखा या गैर कानूनी जो चीज़ें होती है वह काज न करें, प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दें। और जब माताएं जो है छठ घाट पर जब अर्घ देने जाती है तो जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग की जाती है और बैरिकेटिंग एरिया में रहकर, यानी जो बल्ला लगाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, उसके अंदर रहकर आप अपने अर्घ को दें, अपने साथ एक पुरुष को घाट पर अवश्य ले जाए ताकि कोई घटना हो, भगदड़ की स्थिति न पैदा करे, आपकी बचाव हो सके। और जहाँ दीप जलाए जाते हैं वहाँ से कुछ दूरी पर बैठे, कोशिश करें कि अगर सूती साड़ी हो तो बेटर है छठ व्रतधारियों के लिए, क्योंकि कोई घटना न घटे। रेडियो स्नेही का यही उद्देश्य है कि आप सावधान रहें और घाट पर जब अर्घ देने के बाद जो व्रतधारी शाम को जब चलती हैं समूह में, तो सारे पुरुषों से ये अपील की जाती है आम जनता से कि आप उन्हें जाने का मार्ग उपलब्ध करा दें कि आसानी से छठ व्रतधारी चली जाए। अगर किसी छठ व्रतधारी को चक्कर आता हो या BP की दवाएं खाती हैं या शुगर की दवाएं, तो वहां मेडिकल कैंप जिला प्रशासन सदर अस्पताल सिवान के द्वारा लगाया जाएगा और आप वहां जिला प्रशासन या जो अस्पताल के जो मेडिकल शिविर है उस शिविर में जाकर आप अपनी चिकित्सा सुविधा ले सकती हैं जो निःशुल्क रहेगा। और भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएँ जो कैंप लगाती है, आप उस कैंप में भी अपनी मेडिकल एड ले सकते हैं।